2014 में झरिया विधानसभा आचार संहिता मामले में उड़न दस्ता दंडाधिकारी की टीम ने कांग्रेस, मार्क्सिस्ट और भाजपा के खिलाफ सेक्शन 3 पब्लिक को लेकर मामला दर्ज किया था। धनबाद कोर्ट में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सशरीर पेश किया गया, जिसमें आचार संहिता मामले में किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से उस धारा से उन्हें दोष मुक्त किया गया। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2014 में झरिया के विधानसभा भाजपा उम्मीदवार संजीव सिंह के खिलाफ उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने सेक्शन 3A पब्लिक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, जिसमें 6 गवाहों के द्वारा अभियोजन और परीक्षण कराया गया जो विफल साबित हुआ, जिसके बाद उस धारा से विधायक संजीव सिंह को दोष मुक्त किया गया। मोहम्मद जावेद ने यह भी कहा कि संजीव सिंह की स्थिति काफ़ी गंभीर है, 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए धनबाद मंडल कारा से एम्बुलेंस के माध्यम से कोर्ट लाया गया, जहां स्ट्रेचर के माध्यम से जज के सामने पेश किया गया, जबकि मेडिकल पैनल की टीम ने इस मामले पर भी रिपोर्ट सौंपी है। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की हालत काफ़ी नाजुक है, कई गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित है, समय रहते उन्हें समुचित इलाज नहीं मिला तो भय है कि कहीं बड़ी अनहोनी घटना ना हो जाए। हाल ही में इन्हें शहीद निर्मल महतो कॉलेज हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती कराया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य में स्थिति थोड़ी सी राहत होने के बाद वापस उन्हें मंडल कारा भेज दिया गया। संजीव सिंह का स्वास्थ्य को लेकर न्यायालय और जेल अथॉरिटी भी काफ़ी चिंतित है, जेल अथॉरिटी के पास साधन और संसाधन का भी अभाव। कोर्ट में डेट था, पुराना केस था, उसी में उपस्थित हुए वकील साहब बताएंगे। वकील साहब आपके बता देंगे। स्वास्थ्य कैसा आपका? दवा दिया गया है अभी। चलिए भैया कुछ नहीं, वकील साहब से पूछ लीजिए। बिपिन 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 बड़ा वीडियो।